हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से जंग को लेकर लॉकडाउन 2 अब शुरू हो चुका है। आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन है और आप देख सकते हैं हम इस समय मधु विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क झुग्गी एरिया के नज़दीक हैं। यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो अभी भी राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 1 के समय पहले और दूसरे दिन में काफ़ी भारी संख्या में जो कामगार मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, वो राजधानी दिल्ली को छोड़कर पलायन कर रहे थे। लेकिन ये परिवार यहाँ रुके रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रहकर अपनी गुजर बसर फिलहाल भी चला रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम जानेंगे कि उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान क्या समस्या आई है और उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किस तरीके से हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन है। लखन, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जिला टीकमगढ़ के, मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं और क्या सोचकर आप दिल्ली आए थे? यही आए थे सर, मजदूरी करने आए थे। मजदूरी करने आए थे इसी सोच के आए थे कि जो पैसा कमाऊंगा। करीब 6-7 साल हो गए मेरे। यहाँ आप क्या काम धंधा करते हैं? यहाँ पार्क का काम करते हैं सर। तो अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपको काम वगैरह मिल रहा है? काम हमने बताया नहीं आपको कि काम को जाते हैं पानी मानी के लिए। अफसर बोलते हैं कि पानी मानी लगाया करो, बाकी अपना घर पे रहो। और तो इस दौरान आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के चलते? अभी तो सर मेरे को कुछ समस्या का ऐसा कुछ आया नहीं। खाना वाना कुछ खूब मिल रहा है मेरे को। खाना कौन आपको उपलब्ध करवा रहा है? खाना यही मधु विहार थाने से आते हैं सब, यहीं लेके जाते हैं। और इसके अलावा और कोई समस्या आपको यहाँ आ रही हो? और कोई समस्या नहीं अभी। ऐसे यहाँ पर एक महिला भी है, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण देवी, किरण जी, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं? तो आप यहाँ कब से रह रही हो, किसके साथ रह रही हैं? हम यहाँ दोनों आदमी रहते हैं, दो बच्चे हैं हमारे, दो बच्चे गाँव में हैं, दो लड़कियाँ। अच्छा। और यहाँ से हमें 2 साल हो गए रहते रहते। हमने सोचा कि गाँव चले जाए तो बाहर नहीं चले, तो फिर हमें यहाँ रह गए बस। यहाँ पे आपको किस तरीके से समस्या है अभी? अभी सब बढ़िया है, यहाँ से खाना पीना मिल रहा हमें, बच्चे को दूध भी मिल रहा, अच्छे से रह रहा है। अब जब खुल जाएगा तो फिर देखा जाएगा। तो आप में कोई परेशानी हुई क्या आपको? नहीं हुई, 1-2 दिन हुई तो फिर थाने वालों ने, आप लोगों ने सब दिया मुझे। अच्छा। तो अब रह गए, अब कोई समस्या नहीं है। आप कुछ काम वगैरह करते हैं? हाँ, पार्क में जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। वो लोग जाते हैं तो पानी वानी लगा जाते हैं, फिर आ जाते हैं, बस यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? माया। हाँ। 4 महीने हो गए जब से पार्क में काम करते थे, अब काम भी बंद है और है सो खाना पीना के लिए परेशान रहते थे और पुलिस वाले दे रहे, तो अब हम लोग घर भी नहीं जा रहे, घर इधर ही रह रहे दिल्ली में। जब यहाँ लॉकडाउन का जब ऐलान हुआ था, हाँ, तो जैसे बहुत बड़ी संख्या में जो रोज का मतलब जो डेली वेजेस वाले मजदूर थे, हाँ, वो अपने गाँव लौटे थे। तो क्या आपने भी कोशिश करी थी गांव जाने? गांव जाने की कोशिश करी तो फिर हम लोग को खाना पीना आने लगा, तो हम लोग घर नहीं अब जा रहे। अब जैसे कल ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन शायद समाप्त होने वाला है, तब आपने क्या सोचा था? घर की समस्या सोची थी, अब फिर भी वो लग गया 3 तारीख तक। अच्छा। तो अब फिर हम और फिर भी यही रह गए। अच्छा। यानी आप चाह रहे थे वापस लौट जाएं? वापस घर पे जाएं। हाँ। कौन कौन रहते हैं? सब रहते हमारे घर वाले और हम बच्ची। हाँ। इस समय हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट गांधीनगर में, और गांधीनगर के हम पुराना सीलमपुर इलाके में हैं, जो यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिलाई यूनिट लगी हुई हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाला जो दिहाड़ी मजदूर है वो लगभग बेरोजगार हो चुका है और बमुश्किल अपना जो है वक्त गुजार रहा है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इन्हीं लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और एक परिवार है मोहम्मद मुस्तकीम का, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, किन परिस्थितियों में यह वक्त गुजार रहे हैं। मुस्तकीम जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जी करीब लॉकडाउन होने से 3 रोज पहले से आया। मैं गाँव से बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? सहरसा जिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? सिलाई का। सिलाई का जी। तो अभी लॉकडाउन के बाद से किन हालात में आप जो है रह रहे हैं यहाँ? हर चीज की मुश्किल है यहाँ पे सर। अच्छा। ना राशन मिलता है, ना खाने को मिलता है। लाइन में लोगों खाने के लिए तो मार के पुलिस वाले भगा देते हैं।
सब्जी लाने के लिए अगर चले जाएं किसी से 10-20 रुपए पैसे भी लेकर के लाने के लिए तो पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कोई चीज़ का यहाँ पे सुविधा नहीं है। भूख से यहाँ पे हर किसी नाम ही नहीं, यहाँ पे सब और सब भी है बिहार के हैं, यहाँ पे सबके सब परेशान हैं। लेकिन लॉकडाउन में जाएं तो फिर कारपूट टूट रहे हैं, लॉकडाउन का नियम तोड़ ना सकते ना सर, तो इस वजह से यहाँ पे सब दिक्कतें परेशानी झेल झेल करके रह रहे हैं। तो यहाँ परिवार में आपके साथ कौन कौन रह रहे हैं यहाँ पे? जी हमारे 2 बच्चे हैं और 1 फैमिली है। जी तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग को खाने का यहाँ पे रहने का व्यवस्था तो सही है, लेकिन खाने का हर चीज़ का हम लोग को व्यवस्था दे रहने के लिए, नहीं तो यहाँ तक लॉकडाउन तो बाद में आदमी मरेगा ना कोरोना से, भूखमारी से पहले मर जाएगा। जी और ये यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार ने भी जैसे कई स्कूलों में व्यवस्था की हुई है खाने पीने को लेकर, तो आपको वहाँ वो सुविधा मिल पा रही है या नहीं? और उन्होंने जो है वेबसाइट के माध्यम से भी ये कहा था कि जिनके राशन कार्ड नहीं है वो भी वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आपने प्रयास कर रजिस्ट्रेशन करवा? जी कल गया मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सीधा कहता कि यहाँ पे मर्द के लिए नहीं है, औरतों को भेजो। अच्छा जी हाँ, अपने औरतों को हम कहाँ कहाँ भेजेंगे? अच्छा। हम तो खुद जा सकते हैं ना, लेकिन औरतों को कहाँ कहाँ भेजेंगे? अच्छा। और ये खाने का जो थोड़ा थोड़ा खाना देता है अच्छा। उसमें हम खाएं एक लुकमा खाओ तो खाना खत्म हो जाता सर, दोबारा जाओ लेने तो मार लगता है, लाठी लगता है, तो कौन जाएगा इसे, भूखे रहते हैं घर में सोए रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर जी आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और यहाँ कम से कम लगभग 1 साल होने जा रहा है मुझे। क्या काम करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो अफसर जी ये बताएं जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब क्या आपने भी अपने गाँव लौटने की कोशिश करी थी? हाँ कोशिश करी थी, मगर पैदल जाने के चक्कर में, सवारी ना होने के चक्कर में हम नहीं जा पाए। अच्छा। हाँ लॉकडाउन के चक्कर में गए नहीं हम। और अभी आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? खाने पीने की समस्या हो रही है, राशन पानी की समस्या हो रही है। अच्छा। राशन पानी मिल नहीं रहा है, कहीं भी जाते हैं तो पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। अच्छा। और जिस भी आप क्या काम करते थे यहाँ पे? हम ट्रंक पेटी का काम करते थे। अच्छा, ट्रंक पेटी का काम। हाँ भजनपुरे में। तो अभी जिस भी जगह पे आप काम कर रहे थे वो काम वगैरह बंद पड़ा है क्या? सब कुछ बंद पड़ा, जाने ही जब नहीं हो रहा तो काम कहाँ से होगा। अच्छा। हाँ जाना आना सारा बंद है एकदम। तो दिल्ली सरकार में की तरफ से जो सुविधाएं देने की बात कही गई है जैसे राशन वगैरह मुहैया करवा रहे हैं या खाना भी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्या आप तक मिल पा रहा है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने टीवी पे नंबर देखे थे जो दिए गए थे, उन पे कॉल करते हैं तो उन पे बंद बताते नंबर है। हाँ कोई भी राशन पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अफसर की जो है पत्नी भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है। नुसरत जी आप भी कुछ काम वगैरह करते हैं क्या? नहीं हम यहाँ कोई काम नहीं करते, मेरे शौहर जो करते हैं हम उसी में 2 वक्त की रोटी खाते हैं, मगर इस वक्त जब से लॉकडाउन पड़ा है तो रोटी के लिए तरस गए हैं। और फिर जाते हैं हम, कहते हैं कि राशन मिल रहा है या कुछ मिल रहा है तो कहते हैं आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लेके जाते हैं तो कहते हैं यहाँ का नहीं है घर का है, वहाँ का यहाँ का लाओ, तो यहाँ का कौन लाएगा, यहाँ तो मजदूर कहाँ का जाएंगे। वहाँ राशन मिलता है तो कहते लाइन लगो, लाइन लगते तो मिलता नहीं है, भगा देते हैं। हमारे साथ एक और परिवार मौजूद है मोहम्मद शमीम का, जो यहाँ अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। शमीम आप यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं 5-6 महीने से रह रहा हूँ और मेरे परिवार आए थे जनवरी 1 तारीख को यहाँ, और उसके बाद यहाँ रहते रहते 3 महीने हो चुका है। और उसके बाद मोदी जी ने बोला था इतवार को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा और घर से बाहर कोई मत निकलियो, तो सब आदमी ने सोचा कि एक रोज लगेगा तो एक रोज में तो कोई परेशानी नहीं है, सब ने अपना अपना घर पकड़ लिया, खर्चा पानी जो था थोड़ा बहुत ला के रख दिया। और उसके बाद वो एक रोज ख़त्म होने के बाद उसने 1 हफ्ते बढ़ाया और 1 हफ्ते होने से पहले फिर 21 दिन कर दिया। 21 दिन करने के बाद कल फिर हम लोग ने आस लगाए कि कल खुल जाएगा तो हम लोग गांव चले जाएंगे, जो पैसा खर्चा हो चुका था और बाकी थोड़ा बहुत कुछ नहीं बचा था हम लोग के पास, तो हम लोग सोचे कि घर से मंगवा के या कहीं से जिसका काम कर रहे थे उससे मंगवा के लेके चले जाएंगे गांव, लेकिन वो तो हुआ नहीं। कल फिर ने वो 3 जून तक का टाइम बढ़वा, 3 मई तक का टाइम बढ़वा दिया, तो हम लोग ने सब परेशान हो गए, अब करे तो करे क्या। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो राशन पानी का जो इंतजाम किया गया है तो वो आपको मिल पा रहा है या नहीं? अभी तक 1 रुपए का कुछ नहीं हुआ है हम लोग को। आप गए हैं कभी, मतलब जहाँ पे भी जो सेंटर है खाने वगैरह जहाँ बांटा जा रहा है वहाँ गए? वहाँ जाते हैं ना तो देखते हैं कि कम से कम 300-400 आदमी लाइन लगे रहते हैं, वो लोग तो जहाँ जहाँ वहाँ स्कूल तक पहुँचते हैं तो वो लोग को
खत्म हो जाता है खाना तो वापस हो जाते, तो हम लोग बगल में खड़े रहते थे, देखते तो सब वापस हो जाता, तो हम लोग भी वापस होके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सुना आपने मोहम्मद शमीम की भी लगभग वही कहानी है कि ये भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हट जाता तो जैसे तैसे करके अपने गाँव वापस लौट जाते। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।